हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश के सिक्स चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। सिक्स चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। चलिए तो हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द टीचर हु कॉट सेबिया डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास। द टीचर हु कॉट सेबिया डूइंग विथ गार्ड इन द क्लास। ऑप्शन है एप्रिकेटेड हिम, डेप्रिकेटेड हिम, अवॉर्डेड हिम, पनिश्ड हिम। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, पनिश्ड हिम। नेक्स्ट है, द टीचर मेड कॉम्प्लेन अगेंस्ट सेबिया टू हिज। द टीचर मैड कंप्लेन अगेंस्ट सेबिया टू हिज, मीन्स इसका टीचर ने सेबिया के खिलाफ किससे कंप्लेन किया। ऑप्शन है यहाँ फादर, मदर, अंकल, ब्रदर। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी, मदर, उनके मदर से कंप्लेन किया। नेक्स्ट है, द आर्टिस्ट इज, द आर्टिस्ट इज मतलब द आर्टिस्ट क्या है, ए शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल, अ पेरियोडिकल, नॉन ऑफ दिज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, इसका मतलब हुआ कि किन्होंने द आर्टिस्ट स्टोरी के बारे में लिखा है। ऑप्शन है यहाँ पी एस बक, एम गांधी, एस नोया, नॉन ऑफ दिज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीघा नोया। नेक्स्ट है, सीघा नोया वाज बर्न इन, सीघा नोया वाज बर्न इन मतलब सीघा नोया का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1873, 1853, 1883, 1893। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883। नेक्स्ट है, सीघा नोया डैड इन, सीघा नोया डैड इन मतलब सीघा नोया का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन है 1961, 1971, 1981, 1941। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। नेक्स्ट है, ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज, ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानी। ऑप्शन है नॉवलिस्ट, ड्रीमिस्टिक, कॉलमिनिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट स्टोरी राइटर। नेक्स्ट है, सेबिया वाज, सेबिया वाज मतलब सेबिया था, एन आर्टिस्ट, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर, नॉन ऑफ दिज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट है, सेबियाज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। सेबियाज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। ऑप्शन है एप्पल्स, ऑरेंज, गार्ड्स, ग्वावास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ड्स। नेक्स्ट है, सेबिया लिव्ड इन ए, सेबिया लिव्ड इन ए मतलब सेबिया कहाँ रहता था। ऑप्शन है विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्बर टाउन। नेक्स्ट है, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन। ऑप्शन है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 4 आवर्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट्स। नेक्स्ट है, सेबिया न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड। सेबिया न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड मतलब सेबिया जहाँ भी जाता था वो हर जगह क्या खरीदना चाहता था। ऑप्शन है फिश, मीट, गार्ड्स, वेजिटेबल्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ड्स। वन डे सेबिया फाउंड अ पेसुकिलर गार्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वोमैन विच कॉस्ट हिम। आपका ऑप्शन है यहाँ 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 सेन। नेक्स्ट है, ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द, ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द। ऑप्शन है साइड ऑफ द गार्ड,
टॉप ऑफ द गार्ड, बोथ द साइड, नॉन ऑफ दिस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ द गार्ड. नेक्स्ट है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट. ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट. ऑप्शन है वाटर, फ्लैश, सीड्स, नॉन ऑफ दिस. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीड्स. नेक्स्ट है, व्हेन एवर सेबिया पासेड थ्रू द मार्केट, ही सर्च्ड फॉर द. व्हेन एवर सेबिया पासेड थ्रू द मार्केट, ही सर्च्ड फॉर द. जब सेबिया मार्केट के आसपास से गुजरता था तो वो क्या खोजता था. ऑप्शन है फ्रेंड्स, फेवरेट फ्लावर्स, गार्ड्स, नॉन ऑफ दिस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ड्स. नेक्स्ट है, सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी. सीगा नोया हैज रिटन द स्टोरी. सीगा नोया ने कौन सा स्टोरी लिखा था. ऑप्शन है द अर्थ, अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, नॉन ऑफ दिस. तो आंसर होगा सी, द आर्टिस्ट. नेक्स्ट है, सेबिया वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय. सेबिया वाज अ 12 ईयर ओल्ड बॉय. ऑप्शन है चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, इंडियन. तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापानीज. नेक्स्ट है, सेबिया वाज अ जापानीज बॉय. सेबिया वाज अ जापानीज बॉय. ऑप्शन है 9 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट है, सेबियाज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ. सेबिया हॉबीज वाज कलेक्टिंग ऑफ, मतलब सेबिया का हॉबी क्या कलेक्टिंग करना था. ऑप्शन है स्टैम्प्स, बुक्स, गार्ड्स, नॉन ऑफ दिस. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गार्ड्स. नेक्स्ट है, सेबिया वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन. सेबिया वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, मतलब सेबिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में था. पम्पकिन, गार्ड्स, पोटैटो, नॉन ऑफ दिस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड्स. नेक्स्ट है, सीगा नोया इज अ राइटर. सीगा नोया इज अ राइटर, मतलब सीगा नोया कौन से राइटर थे, कौन से लेखक थे, कहाँ के. ऑप्शन है देखिए चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानीज. नेक्स्ट है, वन डे सेबिया वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टैश टीचर. वन डे सेबिया वाज कॉट रेड हैंडेड बाय टीचर, मतलब एक दिन सेबिया अपने टीचर के साथ कैसे पकड़ा गया था. ऑप्शन है किस टीचर के साथ पकड़ा गया था. ऑप्शन है हिंदी, मैथ, एथिक्स, हिंदी. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिक्स. नेक्स्ट है, सेबिया बॉट अ इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड मैन. मतलब सेबिया ने कितने इंच का गार्ड उस बुढ़ी औरत से खरीदा था. ऑप्शन है 4, 5, 6, 7. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5. नेक्स्ट है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सेबिया ऑफ नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज. द टीचर बिकेम वेरी वेरी विथ सेबियाज ऑफ 4 निगलेटिंग हिज स्टडीज. ऑप्शन है हैप्पी, सैड, एंग्री, फ्रेंडली. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंग्री. नेक्स्ट है, सेबिया रीड्स एट ए स्कूल. सेबिया रीड्स एट ए स्कूल, मतलब सेबिया किस स्कूल में पढ़ता था. ऑप्शन है हाई, प्राइमरी, मिडिल, नॉन ऑफ दिस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी. सेबिया गॉट गार्ड्स फॉर अ फ्यू. सेबिया गॉट गार्ड्स फॉर अ फ्यू. ऑप्शन है रूपी, टाका, सेन, नॉन ऑफ दिस. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन. नेक्स्ट है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द. वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द. ऑप्शन है यंग, चाइल्ड्रेन, ओल्ड, एडल्ट. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड्रेन. 29 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द 5 inches गार्ड्स इज. मतलब 5 inch गार्ड का दाम कितना था. ऑप्शन है 5 cent, 9 cent, 10 cent, 11 cent. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 cent. नेक्स्ट है,
Xavier's father worked at shop. Xavier's father worked at shop. Xavier के फादर किस शॉप पे काम करते थे? ऑप्शन ए कारपेंटर्स, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ्स, नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर कारपेंटर्स। नेक्स्ट है वॉज सेलिंग ड्राइड परमिनस एंड ऑरेंज। वॉज सेलिंग ड्राइड परमिनस एंड ऑरेंज। एन ओल्ड वोमैन, अ गर्ल, अ बॉय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन ओल्ड वोमैन। नेक्स्ट है द पॉटर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेविया फोर। द पॉटर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेविया फोर, मतलब पॉटर ने सेविया के गार्ड को कितने रुपए में बेचा? ऑप्शन है यहाँ 30 एन, 40 एन, 50 एन, 60 एन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50 एन। नेक्स्ट है इज अ शॉर्ट स्टोरी। व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरी इसमें से कौन सा है? ऑप्शन है अ मैरिज प्रपोजल, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रोस ट्रेवलर्स आइज, द आर्टिस्ट। तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी द आर्टिस्ट। नेक्स्ट है सेबियाज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मैड हिज टीचर। सेबियाज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मैड हिज टीचर। ऑप्शन है प्लेस्ड, डिसप्लेस्ड, लाफेड, नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिसप्लेस्ड। नेक्स्ट है सेबियाज पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। सेबियाज पेरेंट्स नो डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। ऑप्शन है ऑरेंज, एप्पल्स, कार्ड्स, पोटैटोज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गार्ड्स। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।